धर्म के नाम पर देखना है, अंधभक्त बनना है। हाँ। बाकी हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, छात्र हैं। हाँ। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, ये नहीं बताएंगे, पूछिए इनसे। राम कह रहे हैं ना हर घर मोदी, बताइए 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, सबको रोजगार मिल रहा है। कौन? हाँ देखिए, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हम भाई, तो हम एक छात्र हैं, हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, और हम धर्म के नाम पे अगर ये इसमें मैक्सिमम, आप सुनिए पहले, सुनिए, आप ज्यादा पढ़े हमसे, हमसे पढ़े हैं ज्यादा, नहीं देखिए, नहीं नहीं वो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से अहंकार मत लाइए। हाँ उत्तर प्रदेश, नहीं रोजगार मिलेगा तुमको? हाँ तो भी तुम खुद कह रहे हो मैं विद्यार्थी हूँ, तुमने कब से रोजगार के लिए तैयारी की? जब आप खड़े हो गए, तैयार हो गए ना, तब आपको रोजगार मिलेगा। आप बताइए, सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। 2017 से यूपी में हर एग्जाम लीक हुआ है, सारा का सारा, आरओ का पेपर लीक हो रहा, यूपी पुलिस का हुआ, कौन सा ऐसा बचा है, ऐसा कौन सा पेपर है? लालू का डिग्री अब काम आ रहा है, वहाँ भी पेपर लीक, क्या एग्जाम नहीं देना होता था राजू के, लालू के राज में घर बैठे टॉपर हो जाते थे। इससे पहले गठबंधन में कितने सरकार मिली, आरजेडी थी ना बिहार में, कितने नौकरियां मिली? और हम यूपी से आते हैं, यूपी में 2 बार सरकार बन चुकी है। अब बताइए, हम आरओ को पेपर दिए, आरओ पेपर लीक हो गया, यूपीपी का पेपर लीक हो गया, आप ये इस पे बात नहीं करेंगे, राम मंदिर पर बात करेंगे, जिससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, और नहीं कोई रोजगार, ये सरकार की नाकामी है कि नहीं ये बताइए। नहीं है, अरे एक मिनट, 140 करोड़ लोग हैं, सबके बालक मिला के मैं करूं 50 करोड़ हुआ, सबको सरकारी मिल जाएगी, सबको सरकारी मिल जाएगी। एक मिनट, नौकरी मेरी बात सुनो, जो नौकरी निकाले भर्तियां, वो तो दे नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। कह रहे 24 में ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी है। देखो अगर एक मिनट जाओ, जो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। जो बीजेपी अगर आ गई तो इस देश की संता भ्रष्टाचारी है। अभी की स्थिति के हिसाब से कौन आ रहा है इसको भी बोलने दो, तो यानी पूरे देश की जनता भ्रष्टाचारी है क्या? खुद सोचो, जनता किसको सिलेक्ट करेगी? जो सही होगा उनको अच्छा लगेगा भाई ना, आप जिनको समझ में आया कि वो आप कुछ कर रहे हैं। हाँ आप तुम आंदोलन कर रहे हो, किसान आंदोलन कर रहे हो, ठीक है, 2 महीने बाद में चुनाव, पूछो, 2 महीने ये कह रहे हैं अंधभक्त है, क्या होता है मतलब? अरे सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट, सिंपल सीधे सीधे देखिए, स्ट्रेट बात करो, बताइए क्या होता है मतलब? अंधभक्त अभी इनसे कुछ भी कर रहे हैं, बस खाली आएगा तो मोदी, कोई चीज बोलने को तैयार नहीं, ये अंधभक्ति है भाई। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ आरओ का वैकेंसी का मैं कैंडिडेट हूँ, सुनिए, भक्त कौन होता है? भक्त भगवान की होते हैं हमारी धर्म में, पहली बात तो ये कंसेप्ट ही गलत है, जब भक्त यहाँ पे भगवान के होते हैं तो अंधभक्त कंसेप्ट क्या है? भाजपा के अनुभव, ये देखो और किसके, ये पता ही नहीं है, जीरो नॉलेज के साथ आगे डिबेट कर रहे हैं। भक्त कौन होते हैं? भक्त कौन होते हैं? किसके भक्त होते हैं? भगवान के होते हैं, तो अंधभक्त कौन हुआ फिर? जब पहली बात तो ये भक्त कंसेप्ट ही गलत है। इनका भी दर्द भाई, हम देखिए, हम सरकार से, सुनिए पहले, हम छात्र हैं, हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? हमको अच्छा शिक्षा मिले, हमको रोजगार मिले, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश ये बताओ, ये इंडिया, देखो इंडिया गेट आए पहली बार, इंडिया गेट किस लिए बना है? घूमने के लिए बना, किस लिए बना? क्या नहीं, इतिहास भी छोड़ो, कंसेप्ट क्या इंडिया गेट बनाने का? पढ़े लिखे स्टूडेंट है ना भैया, आप इंडिया गेट इतिहास भूगोल बताने लगे, अभी इतिहास भूगोल बताओगे तभी नौकरी मिलती है, बिना इतिहास भूगोल छोड़ो 1947 से 2014 आ गया, एजुकेशन की बात है ना, कितने IIT बने थे 47 से 2014 तक? नहीं IIT हमको देखिए, क्या बात करें इनसे, 23 IIT थी, अब 24 है शायद, ये पता होता लिखते तो नौकरी लगती। अरे भाई सुनो, 24 है कि नहीं है? आप बताइए 24 है कि नहीं है? फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, जनता चुनती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है इंडिया में, जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा। एक तरफ से भ्रष्ट कर देना, कह देना, यानी देश की जनता का अपमान है कि नहीं है? इससे पहले अपमान नहीं था, मैं कब कौन बोला अपमान करने के लिए? सुरेश कलमाड़ी भ्रष्ट थे ना, थे कि नहीं थे? कोलगेट स्कैम हुआ, होता है, हुआ था, हाँ या ना बोलो, क्या होता है कोलगेट स्कैम का? छोड़ो मत पढ़ो, अरे वो कोलगेट जो करते हैं, सुनना चाहते हैं आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी की पता इनको कुछ नहीं है, अंधभक्त, अंधभक्त गेम, जगन भुजवल का नाम सुनिए, अंधभक्त, हाँ छगन भुजवल, छगन भुजवल, शुभेंदु अधिकारी, पहली बात सुनो, अब नहीं नाम लेंगे, अधिकारी क्या है?
सांसद नहीं आप जब उनपे आरोप लगा, अरे भाई सुनिए, अभी केपी सिंह जो जौनपुर से टिकट मिला है वो क्या थे, उनपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? हजारों करोड़ इनको तो पहले कंसेप्ट ही नहीं पता इनको। डिबेट दो सिटीजन में हो रही है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है? प्रवक्ता मैं नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, तो ये मेरे से क्यों पूछा जौनपुर में किसको दिया? आप मैं सिटीजन की बात करूँ ना, मैं 2014 के बाद भी जो करप्शन हुआ उसकी बात भी करूँ। 2014 से पहले तो आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा था। ये कह रहे हैं एजुकेशन की, मैं रोजगार मांग रहा हूँ, मैं शिक्षा मांग रहा हूँ। बेरोजगारी दर इस समय क्या है बताओ, आज के समय बोल रहा हूँ मैं, बेरोजगारी दर कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, यूएसए में इन्फ्लेशन रेट कितना है, यूएसए को बता दीजिए। आप अपनी बात करिए ना, दूसरे हम बता, सुनो एक बात और सुनो, मैं कह रहा हूँ मोदी, सुनो मोदी अच्छा है क्यों, किसी से कंपैरिजन हो रहा है? आप अच्छे हैं तो किस किस लिए अच्छे हैं, किसी किससे कंपैरिजन हो रहा है? कोई खराब है यानी आप अच्छे हैं, राइट? तो मैं कंपैरिजन इंडिया, मैं पाकिस्तान के साथ कर ही नहीं रहा, अभी मैं करूंगा तो ये क्या बोलेंगे, चाइना से करो, अमेरिका से करो। हम सुनिए, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हमको जो सरकार से मांग है हम कह रहे हैं कि जो वैकेंसी, सुनिए देखिए सही, ये गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस गांव में मस्जिद होगा मंदिर भी होगा, ये मंदिर मस्जिद कौन किया था? बिल्कुल किया थे भाई, अरे भाई ये आप चुनाव नहीं, भारत देश सारे प्रांतों का लोग है, नहीं भाई साहब, एक देश में एक शहर में एक हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं चलता, प्रांत सबका है, सबसे बोलते आ रहे हैं, सबका नहीं, सुनिए इसने कहा कि नहीं कर सकते, आप बताओ ना, प्रांत सबका है, प्राण सबका है भाई साहब, वो जो कंधे के ऊपर जनेऊ, जो कंधे के ऊपर जनेऊ डालते हैं ना, वो है चुनाव के समय। आप राहुल अभी परसों की रैली में देखे, परसों की रैली में देखे, वो भगवान विट्ठल जी की मूर्ति लेने से मना कर दिया। मैं इसमें नहीं पढ़ता, हम लोग नहीं पढ़ते, देखो मैं एज अ सिटीजनशिप बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले जो हुआ सबको पता है, 2000 अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर जो बात हुई, मैं अगेंस्ट हूँ बीजेपी के, इसमें नहीं लाना चाहिए था ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या जरूरत थी लाने की? पर ये थोड़ी है कि आप आंख बंद करोगे और बोलोगे ये अंधभक्त हैं, ये सपोर्टर, ऐसा नहीं होता है ना, देश ऐसे थोड़ी चलता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी राष्ट्रवाद की बात होती है कि ये चीज़ बढ़ेगी, प्रगति होनी चाहिए, कोई ना कोई बंदा आके ये बोलेगा भाई साहब हिंदू मुस्लिम क्यों बोलते हैं हर बार। जब कोई मिनिस्टर आके किसी भी वाद विवाद की बात देख लो आप, शिक्षा के ऊपर बात होती है, रोजगार के बात होती है, चार मंत्री लोग बैठ जाएंगे, ये नहीं शिक्षा के बारे में अगर टॉपिक है तो शिक्षा के बारे में बोलें। मैं फीलिंग, मेरी फील होती है खुद के अंदर से कि नहीं आप शिक्षा के बारे में टॉपिक नहीं रहता, वो जल्दी किस बारे में बदल जाता है, हिंदू मुस्लिम, सालों के पास कुछ नहीं होता बोलने को कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, वो देखता है कि अब तो शिक्षा की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उन्नति होगी, उन्नति से डरते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे, उन्नति से यहाँ पे नेताओं को डर लगता है, ये बिल्कुल डर लगता है, उन्नति होगी, बंदे समझदार होंगे, हम समझदार होंगे, हमें पता है हम वोट किसको देंगे, मोदी को देंगे, क्योंकि वो समाज की सेवा के कार्य कर रहा है भाई साहब, मैं समझदार हूँ, मेरे को पता है कौन कार्य कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पैदल चल रहे भाई साहब, कितने लोग थे पीछे बताओ, कितने लोग थे पीछे, कितने लोग थे पीछे मेरे को बताओ ना, गिनती के, ये नहीं चलो दो लोग भी चले गए ना सच्ची भावना से कि ये बंदा सही काम कर रहा है, मैं दो लोग सच्ची भावना से चले गए, बात सही है, ठीक है, आप देख लो राहुल गांधी सामने दिखते हैं, काम दिखाओ ना भाई साहब, आप काम दिखाओ ना, मौका दीजिए ना भाई साहब, अरे भाई साहब क्या बात करो, मौका क्या, एक सेकंड, मैं थाली में मौका नहीं आता है, थाली में मौका नहीं आता है, हाँ भाई साहब ये लो आपका मौका दे रहे हैं हम, मौका बनाना पड़ता है, ठीक है, बच्चा कोई फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता, समझ रहे हो, पढ़ के आता है, हाँ पढ़ के आता है, मौका थोड़ी ना देंगे आपको जी हम, कि मौका दिखाओ, बनाओ मौका, बनाना पड़ता है, मेरे पास मौका नहीं था, मैं बिहार से आया था 2002 में यहाँ पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में इतनी मेहनत से लगी, सबसे घटिया स्कूल से पढ़ के निकला हूँ मैं, आज एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे जॉब पे कार्य कर रहा हूँ, पता है आपको मैं, लेकिन उसका कारण क्या है, क्योंकि मुझे थालियों परोस के नहीं मिला था कि गवर्नमेंट स्कूल से हो, उसका देख लो कपिल शर्मा से अच्छा वो मनोरंजन का काम आता है और कोई काम नहीं है भाई, राहुल गांधी का स्टेट शो देख लो भाई, मनोरंजन के अलावा कोई काम नहीं है उसका। बिहार में कहावत है कि बंदा सुना होगा आपने कि पूत कपूत तो क्या धन संचय है, और कपूत पूत तो क्या धन संचय है, वो पूत अगर तुम्हारा बेटा अच्छा है तो कितना भी धन बचा लो वो किसी काम का नहीं, वो खुद मेहनत करके कमाएगा, और तुम्हारा पूत कपूत है तो उसके लिए कितना भी धन बटोर लो साला गुड़गोबरी करेगा, समझ रहे हो, नहीं बाहर से पढ़ के आए हैं और
यहाँ नहीं नहीं एक सेकंड मोदी हाँ, से पहले मोदी जी से मेरे फेवरेट है मोदी जी। आप बताओ, मैं लाइक का बटन दबाता रहूंगा उनकी वीडियो पे आजाद बल्ले। मैं बताऊं मुझसे पहले कौन अच्छा लगता था मुझको? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों? 1991 में भाई साहब नौवीं में पढ़ी थी मैंने ये बात। 1991 में एलपीजी तकनीक नाम सुना होगा आपने, लिटिलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज लेके आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश पे कर्जा था। वो भाई साहब उनने जो काम किया, मेरे उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट यहाँ से निकलती है उस चीज़ की वजह से। पर उसके बाद पीछे से किसकी बात मानते थे वो? बैठते थे, कोई भी सलाह डिसीजन तो लेना पड़ता था। एक वीडियो देखी होगी, मंत्रालय में बैठे थे भाई साहब, उठा के, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आई थी, उनको हटा के उनकी जगह बैठाया गया था, उनको वो साइड चेयर में बैठे। एक वीडियो देखी थी फेसबुक पे मैंने, ठीक है, सच झूठ मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे आपने बोला था कि राहुल गांधी जी को मौका दीजिए, कौन है? हम तो कुछ नहीं है उनके सामने भाई, मैं कौन हूँ? एक गली मोहल्ले में बैठ के अपना घर चला रहा हूँ। बता, अधिकार का पालन कर सकते हैं भाई साहब? अरे महाराज क्या चाहिए, वोटर है वो भी, कोई कुछ भी मिनिस्टर वोटर है ना वो भी, मैं भी वोटर हूँ, बराबर है हम दोनों, ठीक है। मैं अपने घर में काम करता हूँ तो मैं समाज के नज़रों में, अपने परिवार के रिश्तों में अच्छा हूँ कि भाई साहब रोशन लड़का बड़ा अच्छा है, क्यों काम करके घर चला रहा है, ठीक है। अब राहुल गांधी को मुझे किसने मौका दिया? मेरे पापा ने मेरे को मौका दिया? मेरे पापा ने मेरे को मौका नहीं दिया। मैं घर से बाहर निकला हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं 17 जगह गया हूँ इंटरव्यू देने, तब मेरी उन्नति हुई है, तब मैं आया हूँ कि यहाँ पद पर आया हूँ मैं। मौका नहीं देते भाई साहब, मौका देता नहीं, बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, मौका मिले तो काम करोगे।